बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्येक जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में बांदा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पहले मार्च निकाला, फिर कचहरी चौराहे में जाकर नागरिकता संशोधन बिल प्रतीकात्मक पतियों को आग लगाया। कांग्रेसियों ने इस बिल को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हुए विभाजनकारी बताया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित और महिला अध्यक्ष सीमा खान ने कहा कि प्रियंका गांधी निर्देशानुसार और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर हम लोग जो कल नागरिकता संशोधन बिल हुआ पास है उसके खिलाफ हम लोग धरने पर बैठे हैं और प्रदर्शन किया है कि उन पतियों को जो संशोधित बिल जो कि संघ के विधान का बिल है उसको हमने चलाया है और विरोध प्रदर्शन किया है और भाजपा जो है वो संघ के विधान के एक एक नुक्से को लागू करना चाहती है। ये भाई भाई को विभाजन करने वाला बिल है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम संघ के विधान को भारत का संविधान नहीं बनने देंगे, अपने संविधान के निर्माताओं को और अपने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं होने देंगे। आज हमारी महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी के निर्देशानुसार और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर हम लोग ये जो कल बिल पास हुआ है नागरिकता संशोधन बिल उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उन प्रतियों को जो संशोधित बिल जो संघ का विधान का बिल है उसको अभी जलाएंगे। हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये भाजपा संघ के विधान के एक एक नुक्से को लागू करना चाहती है जो ये आपस में हमको भाई भाई को बांटता है। ये विभाजनकारी बिल है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और हम संघ के विधान को भारत का संविधान नहीं बनने देंगे, अपने संविधान के निर्माताओं को अपने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं होने देंगे। आज हम लोग जो कल बिल पास हुआ है संविधान को विरोधी बिल है बिल्कुल, जो नागरिकता को एकदम खत्म कर रहा, जो संविधान 14 के अंतर्गत नागरिक को जाति वर्ग में नहीं बांटा जा सकता और जो हिंदुस्तान हमारा ऐसा देश है जहां सब जातियों के लोग रहते हैं, सब को शरणार्थी बना दिया जाता है, यहां पे नागरिकता दे दी जाती है। इस बिल का जो इन्होंने नया संशोधन करके बनाया है उसकी हम लोग आज प्रतियां जलाएंगे, उसी के विरोध में आज हम लोग बैठे हैं कि ये बिल बिल्कुल कतई पास नहीं होना चाहिए, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं।